चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, सार्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसके सभी सहखंडों को ज्ञात करना है, सभी सहखंडों को, यानी कि फाइंड ऑल को फैक्टर्स, यानी कि सेकंड को फैक्टर को आपको उधारना, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें नई चीज़ क्या है, सेकंड निकालने हैं। सेकंड यानी कि को फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो सबकी मेथड एक ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए जब भी आपसे को फैक्टर पूछें, देखो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट है आप बताओ, ये जो डिटर्मिनेंट है वो कितने का है, 3/3 का है, मतलब कुल मिला कितने एलिमेंट हुए इसमें, 9 एलिमेंट है, कितने हैं 9, आप खुद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 एलिमेंट हैं, कितने हैं 9। तो इनके हमें क्या करना है, ऑल फैक्टर्स, मतलब इन सभी के एलिमेंटों को निकालने हैं। हो सकता है क्वेश्चन वो विशेष कुछ गिने चुने पूछ लें, अभी हम 9 के निकालने वाले हैं, बट 9 की जगह वो बोलते हैं ओनली इसका निकालो, 2 के ओनली या इन 3 के निकालो, मतलब कम भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसमें पूरे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम गिवन जो मैं डिटर्मिनेंट है वो ले लेते हैं, 2 -3 3 3 4 -6 4 -7 10, ठीक है। अब वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, Cij = -1 की पावर i + j (into MIA), याद आया, ये फॉर्मूला है हमारा किसका, कोफैक्टर, दो फॉर्मूले होता है, दो तीन फॉर्मूले, उसका ये पहला फॉर्मूला है ना, Cij मतलब कोफैक्टर यहाँ पर, ठीक है। आई जे, आई मतलब रो के लिए है, जे किसके लिए, कॉलम के लिए। Cij = -1 की पावर i + j, -1 की पावर है ना, और (into MIA), ये फॉर्मूला आप लगाते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। कितने यहाँ पर 9 है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन हैं बहुत सिंपल। चलिए देन तब अब ध्यान दो, सी अभी हम ले रहे हैं C11, क्या ले रहे हैं C11, बन वन क्यों, इसको 2 के लिए ले रहे हैं। देखो आपको ये याद होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, याद है आपको, हाँ ये इसके हिसाब से चल रहे हैं, पहला कौन सा है A11, ये कौन सा है। तो अभी हम इसका निकाल रहे हैं क्या, कोफैक्टर C11, 2 किस जगह, 1 की जगह, तो -1 की पावर i की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। इस फॉर्मूले से देखो, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, तो -1 की पावर 1 + 1 और m 1 1। अब -1 की पावर कितनी आ गई, 1 + 1 2 हो गए, -1 की पावर 2 और m 1 1 क्या है, देखो m 1 1 m है आपका उपसर्ग, यानी कि माइनर, क्या है माइनर, ये कैसे आता है m 1 1, m ये 2 है, 2 का तो निकाल रहे हैं, 1 1 मतलब क्या है 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, 1 1 मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, जो बचेगा वो होता है आपका माइनस, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो गए, तो ये बचा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो। देखो -1 की पावर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव आएगा, जब इवन होता है तो पॉजिटिव आता है इसका इंट, अब 2 × 2 का सॉल्व करना आपको आता ही है, 10 × 2 = 40 - 7 = 42, यानी कि -2 आ गया, कितना आ गया -2, ठीक है। अब निकाल रहे हैं C12, कौन निकाल रहे हैं 1 2, ऐसे चलते जाओ, ठीक है 1 2, तो i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई, तो -1 की पावर 1 2 × m 1 2, तो पावर 3, और 1 2 मतलब ये है ना, तो ये छुप गए, क्या बचे, बचे उनको लिख दो, -3 3 -7 और 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, माइनस ऑड है पावर, तो क्या आता है माइनस है, ये वाला 10 × 3 - 30 - 7 = 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -9 - -9 + 9 आ गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो अभी हमारे दो कोफैक्टर आ गए, किस किस के आ गए, सेकंड इसका आ गया और इसका आ गया, है ना। अब इस सब पूरे के निकालने हैं लाइन से, फॉर्मूला ये लगना है बस, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं C13, अब कौन सा है 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 के लिए 1 3 को छुपा दो, है ना, -1 की पावर 1 + 3, फॉर्मूला ये लग रहा है, आई की वैल्यू 1, देखिए 3 हो गई है, और m 1 3, तो ये पावर इवन हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, m 1 3 क्या है, इसको इसको छुपाने पर क्या बचा, ये बचा, उसको लिख दो -3 3 4 - 6 इंटू कर दो, तो चलती 18 - 4 = 12, यानी कि +6 आ गए। अब C21 आएगा, ये किसना है, ये वाला किस जगह पर है, 2 1, इसकी पोजीशन है 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1
एन टू एम टू वन, और पावर हो रही है प्लस करने पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और एम टू वन कितना है, इसको इसको छुपाया है ना, थ्री फोर माइनस सिक्स टेन, थ्री फोर माइनस सिक्स और टेन, सॉल्व कर लो इसको, दस ती तीस माइनस माइनस प्लस छः चौक चौबीस, फिफ्टी फोर किसके माइनस के, ठीक है। अब सी टू टू, सी टू टू पे आ गए, किस पे आ गए, टू टू पे, टू टू ये है, ये छुप गए है ना, माइनस वन की पावर लगा दो टू प्लस टू और एम टू टू, अब माइनस माइनस प्लस, ये तो टू टू फोर हो गए तो प्लस आ जाएगा, एम टू टू कहाँ है ये रहा, तो क्या बचा टू फोर और थ्री टेन, ये बचा है ना, इनका इंटू कर दो फिर, बीस माइनस बारह यानी कि आठ, अब किस पे आ गए टू थ्री, टू थ्री कौन सा है, ये वाला है ना, ग्यारह बारह तेरह इक्कीस बाईस तेईस, तेईस ये है ना, ये छुप गए, तो ये बचे माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री और एम टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव होते हैं तो ऑड है तो माइनस लगा देते हैं ना, तो ये बच्चे हमारे टू थ्री टू थ्री थ्री माइनस सिक्स, तो इसका इन टू कर दो, बारह आठ बीस इक्कीस प्लस के है ना। अब सी थ्री वन, सी थ्री वन पे आ गए, सी थ्री वन कौन सा है, ये वाला, इनको छुपा दो, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन और एम थ्री वन, तो ये तो थ्री प्लस वन फोर हो गया तो प्लस हो जाएगा, इसको देखते हैं, थ्री वन यानी कि ये, तो बच्चे क्या बोले दो, थ्री फोर फोर माइनस सेवन इन टू कर दो, सात इक्कीस माइनस चार चौक सोलह, सैंतीस माइनस के, सी थ्री वन आ गया, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं उनके, सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में क्या है, चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर सी मैं चलूँगा, यहाँ पर क्या प्लस का सेवन है, किसका सेवन है, प्लस का, तो हम यहाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर देखो नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, या माइनस है हो सकता है, माइनस एग्जाम में आ जाए ना प्लस आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 82 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस कर दो, दस तीस माइनस के वही सात इक्कीस माइनस के, तीस बीस पचास इक्यावन प्लस के 51, ठीक है, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है वैसे तो। दूसरा अपन देख लेते हैं, है ना, ये सही है अपना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो पहला आंसर अपना उसका हो गया माइनस सॉरी 82 51 6 54 54 है ना, और 8 21 या देख लो, एक माइनस की है प्लस करना है, तो 21 माइनस 16 यानी कि 5, यहाँ देख लेते हैं, तीस माइनस माइनस प्लस 54 माइनस का 54 आ रहा है ना, 2 प्लस 1 सी 2 1 इसमें थोड़ा चेक कर लो इसको, हमारा सी टू वन, सी टू वन कौन सा हमारा, ये है, ये छुप गए, ये छुप गए, तो क्या बचे थ्री, हाँ ये देखो टू वन थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स फोर टेन, थ्री माइनस सिक्स फोर टेन, ठीक है, तो वो देखो यार, दस तीस छः चौबीस माइनस माइनस प्लस चौबीस,
कहाँ मिस्टेक हो रही है? सी टू वन, सी टू वन आपका है, ये छुप गए, 3 - 6 4 10 सही तो है, उसमें मिस्टेक दिया हुआ है ना। चलिए तो हम बात करते हैं, अब सी वन थ्री वन हो गया, आप सी थ्री टू निकाल लेते हैं, तो मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूँ ना, क्वेश्चन कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोबारा घर पर सॉल्व करना इसको क्वेश्चन को लेके, तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब सी थ्री टू रह गया है, सी थ्री टू, सी थ्री टू पर ले लेते हैं, थ्री टू ये है, तो ये गए और ये गए, तो जो बच्चे वो लिख लो, 3 + 2 और m 3 2, तो माइनस बना जाएगा, पावर 5 है ना, इसलिए ऑड हो गया ना, मॉड पर माइनस आ जाता है, ये है, ये छुपा, ये छुपा, तो क्या बचा, 2 - 3 - 4 - 7, 14 - +4 = 12, -26 आ गया अपना, ठीक है। अब ले रहे हैं सी थ्री थ्री, -1 की पावर 3 + 3, तो m 3 3, ये तो और प्लस हो जाएगा, ये देखो 3 3 ये गए, तो 2 - 3 - 3 - 4, 4 × 2 = 8, -± +, तो आ गया 17, कितना आ गया 17, ये आपके आ गए पूरे 9 के 9 कोफैक्टर आ गए, ठीक है। चलो एक बार फिर देखते हैं ना, आपको निकालने कितने, देखो ऐसे पूरे पूछे हैं, तो मतलब कि 9 के 9 निकालने हैं, इसको बोलते हैं सी वन वन, सी वन टू, मतलब को फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये पोजिशन पता होना चाहिए, कहाँ पर है वन वन, ये कहाँ है वन टू, ये वन थ्री, तो ऐसे सी वन वन, तो इसमें लगा दो, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू वन, एम वन वन, अब वन और वन को छुपाने पर जो बचता है वो लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। अब देखो अगर इसको -1 की पावर 1 + 1 2 आ रहा है, इवन है तो प्लस आता है, ऑड हो जाए पावर तो माइनस आ जाता है, देखो ऑड है तो माइनस आ गया, इवन है 3 3 6 तो प्लस आ गया, देखो ऑड है तो माइनस आ गया, 3 1 4 प्लस आ गया ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम करने पर क्या है, इवन आए तो प्लस और ऑड आए तो माइनस। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ध्यान सुनना अच्छे से। और चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थ्री थ्री माइनस वन, -3 2 1, 4 - 2 1। चलिए सॉल्व करें, सबसे पहले वी नो दैट, आप जानते हो फॉर्मूला कौन सा है ना, फॉर्मूला क्या है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i + j (m i j), ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो सी वन वन सबसे पहला कौन सा आएगा, सी वन वन, तो -1 की पावर 1 + 1 और m वन वन, सी वन टू, सी 1 3, C 2 1, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, -1 की पावर 1 + 1 2, इवन है तो प्लस आएगा ना, अब एम वन वन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाए, इस पर ध्यान रखना है, ये क्या मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर छुपाने में, क्या करते हैं हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, इसको सॉल्व करो, 2 - -2 यानी कि 4। अब 1 2, 1 2 कौन सा है, ये है 1 2 है ना, तो ये 1 2 गए, तो क्या बचे, यहाँ पहली बात तो माइनस आ जाएगा, 1 2 क्या होता है, ऑड होता है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1 2 1 2, तो ये बचे 3 - 1 - 2 1, ये बस ध्यान रखना है आपको, तो 3 - -2 1 माइनस के, अब ले लो 1 3 1 3, ये गए 3 - 1 - 2 1, 3 - - +, यानी कि 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है अपना,
फोर माइनस वन फाइव, ये सही है अभी। ठीक है चलिए, अब तीन निकला है हमारे, चार इस पर भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। चलो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 ऑड हो रहा है, m21 ये गए, तो -3 1 4 1 -3 -4 यानी कि +7 आ जाएगा। ठीक है अब ले लो c22 c23 c31 c32 और c33। चलिए -1 की पावर 2 + 2 और m22, -1 की पावर 2 + 3 m23, -1 की पावर 2 3 + 1 m31, -1 की पावर 3 + 2 m32, -1 की पावर 3 + 3 और m33। चलो शुरू करते हैं, ++2 4 हो रहा है, तो अब 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये छुपाने में ध्यान रखना है, इसमें क्या मिस्टेक हो जाती है, कुछ और छुप जाता है गलती से ना, कुछ और लिख देते हैं हम, तो 2 2 गया तो ये आ गया है ना, तो 3 - -+4 यानी कि 7 आ गया। अब 2 3 2 3 पहली बार तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ऑड है ना, 2 3 2 3 ये, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचा 3 - 1 - 3 1 यानी कि माइनस तो बाहर है ही पहले से, 3 - 3 यानी कि 0, 3 1 अब लेते हैं 3 1 3 1 कौन सा ये रहा, 3 1 है ना, 3 1 तो -2 - 3 2 4 - 2 6 - 8 यानी कि -2 आ गया, तो -2। अब देखो अब किस पर आ गया, 3 2 3 2 तो बचा क्या, पहली बात तो बाहर माइनस आ जाएगा, 3 2 है तो 3 3 और 4 - 2 -6 माइनस के 12 माइनस 18 प्लस के 18 प्लस के 18 आ गए है ना। अब 3 3 ये 3 3 में बचेंगे, 3 3 6 - 9 - 9 प्लस यानी कि 15, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया, एक बार फिर देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू एम आई जे। अब ये ध्यान रखना बस, ये 1 1 है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 है ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब इस फॉर्मूला को जाओ, आई आई प्लस जे एम आई जे, देखो i + j m i j i + j m i j i + j m i j i + j m i j। ठीक है अभी मैंने आप बता दिया, इसको जोड़ने पर इवन आता है, सम आता है तो प्लस लेते हैं, और विषम आता है ऑड आता है तो माइनस ले लेते हैं। ठीक है और मैंने आपको बता भी चुका हूँ वैसे, आपको प्लस माइनस याद आया, ये चिन्ह देख लिया, अगर देखो प्लस तो देखो माइनस प्लस माइनस फिर देखो प्लस माइनस। ठीक है तो ये प्लस करने इसके आते हैं ना, इवन ऑड पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करते हैं देखो, अब आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करने का तरीका देखो, बहुत डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से है तब कर पाओ डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट में देखते हैं, c11 कौन सा है, ये है तो ये गए क्या कर दो, 2 1 2 -2 1 2 यानी कि 4, इवन है तो प्लस रहेगा, 1 2 1 2 कितना 3, ऑड है तो क्या रहेगा माइनस, पहले लगा लो 1 2 ये गए तो 3 3 -2 यानी कि 1 माइनस के, आप समझ गए ना। तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, अब तो आपको आ गया होगा अच्छे से ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है अब छोटा सा लेंगे, 2 by 2 का, 2 by 2 का भी पूछ लेते हैं आपसे। 6 7 -3 - 2 अब इसके को फैक्टर पूछ रहे हैं भाई आपसे, इसमें कितने एलिमेंट हैं, मतलब ऑल एलिमेंट की पूछ रहे हैं को फैक्टर, तो इसमें कितने एलिमेंट टोटल, 4 हैं, कितने हैं, ओनली 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट का निकाल दो,
C11, ये कौन सा है C12, ये कौन सा है C21, ये कौन सा है C22। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब प्लस माइनस आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 1 2 हो रहा है तो प्लस आएगा, विषम हो रहा है 1 प्लस 2 3, ऑड, ऑड मतलब कि माइनस, 2 प्लस 1 ऑड, माइनस 2 प्लस 2 इवन। अब बताओ क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। अब 1 1 तो ये 1 1 यहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गए, क्या बचा -2 डायरेक्ट। 1 2 1 2 ये है, ये छुप गए, क्या बचा 7, प्लस माइनस हमने पहले लगा लिया। 2 1 ये है, क्या बचा -3, तो ये जाएगा प्लस का 3। 2 2 क्या बचा 6, लो आपके को फैक्टर आ गए, -2 -7 3 और 6, 2 बाई 2 में कितना सिंपल है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बस प्रैक्टिस अच्छे से आना चाहिए। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन कौन से हो गए, को फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ये अपने को फैक्टर हैं, को फैक्टर को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन करते हैं आगे ना। थैंक यू।